वेलकम टू आईएएस किचन वंस अगेन। मैं हूं आपका होस्ट राजू अय्यर। आज हम एक सैंडविच वैरायटी बनाएंगे विथ पोटैटो एंड चीज फिलिंग। बनाना बहुत आसान है लेकिन बहुत टेस्टी और हेल्थी है। शुरू करते हैं सैंडविच बनाने के लिए। यहां हमने दो स्लाइस ऑलरेडी बटर्ड है यहां पे, इसमें अभी हम फिलिंग डालेंगे। उसके पहले हमें इसे टोस्ट करना है, इसके लिए एक पैन को हम गरम कर लेते हैं। फिलिंग में हमने यहाँ बॉइल्ड पोटैटोस लिया है और उसे इस तरह हमने स्लाइस करके लिया है। As I said, this is very easy to make and very healthy also. अब इसमें हम डालेंगे a sprinkle of salt, and some pepper. इसमें एक हल्का सा कोटिंग हम दे देते हैं ग्रीन चटनी की, जिसे हमने पुदीना, कोरिएंडर, हरी मिर्च और अदरक को लेकर बनाया है। अब हम इसका ऊपर डालेंगे एक चीज का स्लाइस। जस्ट कवर इट लाइक दिस। और इसे हम कवर करेंगे बटर लगाई हुई और एक ब्रेड स्लाइस के साथ। गिव इट अ लाइक प्रेस। अभी हम यहां पैन गरम किया है तो इसमें ऊपर का साइड में से थोड़ा बटर हम लगा लेते हैं। ये हम अच्छी तरह टोस्ट करके लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम कवर करके रखेंगे ताकि नीचे अच्छा क्रिस्पीनेस आ जाएगा और जो हमने चीज डाला है वो भी अच्छी तरह मेल्ट होगा। तो हम 2-3 मिनट के लिए इसे इस तरह टोस्ट करके लेते हैं। अभी 2 मिनट हो चुका है, हम अभी इसे पलट देते हैं। लेकिन पलटने के पहले ऊपर में हम थोड़ा सा बटर लगा लेते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बाजू अच्छा क्रिस्पीनेस आ गया है, दूसरे बाजू भी हम इस तरह 2 मिनट उसे क्रिस्प करके टोस्ट कर लेंगे। अब इस साइड भी 2 मिनट हो चुका है, अब देखते हैं इसका क्रिस्पीनेस। हाँ, यस इट इज डन। तो अभी हम क्या करते हैं, हमने यहाँ और एक सैंडविच बना के जो रखा है इसको भी हम इस तरह टोस्ट करके ले लेते हैं। अब यहां हमारा दोनों सैंडविच तैयार है। अभी हम इसे इस तरह डायगोनली सर्व करने के पहले काट लेते हैं। इसे इस तरह प्लेटिंग करते हैं और एक फिनिशिंग टच इसमें हम देते हैं। इसमें हम थोड़ा चीज इस तरह ग्रेट करके डालेंगे। दिस इज एनी टाइम यू कैन ईट दिस,
इसे कभी भी आप किसी को भी खिला सकते हैं, बहुत हेल्थी और फिलिंग है। तो ये रहा हमारा पोटैटो चीज सैंडविच। यहां अभी आप देख सकते हैं अंदर में इसका फिलिंग देखिए, बहुत ही बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि हमने एक हेल्थी स्नैक आइटम बनाया है सैंडविच के रूप में। आप भी इसे ट्राई करके देखिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले बार और एक मजेदार डिश के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम आईएस किचन।